दोस्तों, आज का एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यहाँ पर मैंने कुछ चेंजिंग किया अपनी क्यूएन सेशन में। अब मैं हर संडे को क्यूएन सेशन लाता रहता था, बट इस टाइम मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे थर्सडे को भी हम क्यूएन सेशन लाएंगे, मतलब गुरुवार को भी क्यूएन सेशन लाएंगे और संडे को भी लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड्स की क्वेश्चन पेंडिंग है। और मैं पर्सनली अगर संडे करने जाऊँ तो फिर मान लीजिए आज हमने क्यूएन सेशन किया तो फिर नेक्स्ट एक वीक में तो फिर से यहाँ पे 15-20 फ्रेंड के जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो वैसे के वैसे पेंडिंग हो, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो कमेंट वाले जो क्वेश्चन नहीं ले पा रहा इस वजह से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 दिन सेलेक्ट किए। अब गुरुवार को भी क्वेश्चन आएगा और संडे को भी आएगा, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगी वो आपको एक वीडियो देखना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉन्टैक्ट अस के बारे में अपने चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, और आई बटन में हो सका तो वो वहाँ पर भी मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में 25 फ्रेंड्स लिए है। पहले मैंने 10 स्टार्ट किए थे, फिर 15 किए थे, फिर 20 किए, सॉरी 21 हुए थे लास्ट में, और इस बार मैंने 25 किए है। तो और भी यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स के पेंडिंग है, तो वो हम अब आज संडे तो जाहिर सी बात है अब नेक्स्ट गुरुवार को लाइक मतलब थर्सडे को क्वेश्चन आ जाएगा और फिर संडे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं 25 फ्रेंड्स लिए वो कौन से है इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ, उनके क्वेश्चन देने वाला हूँ, और खास ये बात बताने वाला जो रिपीट क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में दे रखे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप यही वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर जाके देख लेना है। क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा नहीं बताऊँगा, जो ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं दूंगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर डिटेल में वाइज बनाना चाहूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो बहुत लंबा वीडियो आप नहीं देखते, लास्ट वीडियो में मैंने देख लिया था वो बहुत बड़ा वीडियो लंबा था तो बहुत फ्रेंड्स ने नहीं देखा था, तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको सेशन वाइज बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने उस सेशन में दे दिया है। तो ये वीडियो बनाना और ये न्यू क्वेश्चन है उसका आंसर तुम्हें 100% देने वाला हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अभी तक मैं YouTube में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो साइड में आएगा वो जरूर दबाए, तक आने वाले वीडियो की आपको मिल जाएगी, बिल्कुल पीछे में चार्ज नहीं लगता। तो सब मैं आपको बता दूँगा, आप लोग पता नहीं या नहीं वीडियो देख के उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मैं साइड में दिखा दूँगा इतने बड़े नॉन सब्सक्राइबर मेरे वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइबर काफ़ी कम वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए हर वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करता, तो फिर आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर आता है एज रूसा, और इनका जो है हॉटस्टार डाउनलोड नहीं हो रहा, और मेरा एक वीडियो था हॉटस्टार के बारे में, प्यार की कहानी की सीरियल के बारे में बताया था, हॉटस्टार उसमें आता था, मतलब हॉटस्टार में वो सीरियल आती थी, तो बहुत फ्रेंड को सीरियल पसंद है, ठीक है, तो उनके लिए हॉटस्टार ज़रूरी है। और हॉटस्टार इंडिया में चल रहा है, अदर कंट्री में कुछ कंट्री में सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि पाकिस्तान में हो गया या फिर अदर कंट्री में सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे इनका भी आई थिंक मेरे ख्याल से है तो इंडिया की, जो भी हो इंडिया का है या है कोई पता नहीं, बट ये जो फिलहाल इस टाइम इंडिया में लाइव नहीं है, मतलब इंडिया में नहीं रह रही, हालांकि वो इंडिया की है, होम टाउन ही इंडिया है, लेकिन अभी भी लाइव है वो इंडिया में नहीं है। तो उनका कहना है कि एविक्यू प्योर एक जो एप्लीकेशन जिसमें सारी एप्लीकेशन आती है, तो उसमें हॉटस्टार नहीं दिख रहा, उसमें हॉटस्टार टिप्स करके कुछ आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रूर इंडिया से है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप लाइव की लोकेशन, आप लाइव लोकेशन कहाँ पे आपका वो इम्पोर्टेंट करता है, आप इंडिया से कोई मतलब नहीं इसमें, आप लाइव यानी कि आप अभी कहाँ पे हो उसके लोकेशन के हिसाब से आपका मोबाइल चलेगा ना, तो अगर वहाँ से आप उस लोकेशन के थ्रू आप डाउनलोड करना चाहोगे तो भी नहीं होगा। आप अगर इंडिया में आके करोगे तो आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा, मतलब डाउनलोड भी हो जाएगा, आप यूज़ भी कर सकते हो, बट लोकेशन से ये डिपेंड करता है, लोकेशन कहाँ का है उस पर हॉटस्टार चलता है। तो इंडिया में आके आप डाउनलोड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप जहाँ पे है वहाँ से हॉटस्टार डाउनलोड नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करंटली लोकेशन कहाँ पे हो वो इंपॉर्टेंट है हॉटस्टार डाउनलोड करने में, और इंडिया के लिए तो ऑलरेडी वर्क करता ही है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं ज्योति झा, और उनसे बात हो चुकी है, पता नहीं नंबर कहाँ से निकाला उन्होंने, और बात हो चुकी है, उनके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, ID रिकवर नहीं हो रहा था और फॉरगॉट पासवर्ड का प्रॉब्लम था, तो उनका प्रॉब्लम आज ही सॉल्व हुआ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट है मिहार, ये जो थोड़ा नेम अलग अलग है और मिहार मैंने जोड़ के दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे थे ऊपर क्या लिखा वो तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, मुझे नहीं पता, बट इनका प्रॉब्लम है FB अकाउंट हैक, और हैकिंग के लिए ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है और वो जाके सेशन देख लें,
और सेशन नंबर आपको 1 देख लेना, फर्स्ट नंबर का सेशन है, उसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है, जाके देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में वापस मैं रिपीट नहीं करूँगा, जो भी क्वेश्चंस रिपीट आते हैं उनका आंसर पूरा डिटेल वाइज नहीं दूंगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा वो सेशन जाके देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी पहले क्वेश्चन से आंसर दे दिए, तो जाहिर सी बात इस वीडियो में बताने का कोई मतलब नहीं है। और खास ये वीडियो अगर मैं बताने जाऊँ तो फिर ये तो 25-30 मिनट का हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं देखोगे, तो यही प्रॉब्लम है। और ये तो वैसे भी अगर मैं आंसर नहीं दूंगा तो भी यहाँ 15 मिनट का ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कम्मू बैरागी, और हाय सर हेल्प मी, आप क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं आपका आंसर दे सकूँ, और हाय के लिए हेलो, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है अर्निंग, और अंकिता करके, अंकिता कुछ के नाम है, और ड्रैगन सिटी गेम स्पॉन्सर। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैसेज है मुझे स्पॉन्सरशिप देने के लिए उनका मैसेज है, और $15 ये दे रहे एक वीडियो बनाने का, और उनका ये भी कहना है कि अगर आपके वीडियो पे 10K यानी कि 10,000 व्यूज़ हो जाते हैं तो फिर आप स्पॉन्सर बन सकते हैं इस गेम के, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आया कि अभी फिलहाल आप जो $15 दे रहे हैं वो स्पॉन्सरशिप नहीं होती क्या? वो भी स्पॉन्सरशिप ही होती है, बट पता नहीं जो परमानेंट आई थी मेरे ख्याल से इसमें होगा कि अगर 10K व्यूज़ आ जाते तो परमानेंटली स्पॉन्सर हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। बट एनीवेज इसके बारे में हम सोचेंगे, हालांकि बहुत सारे अभी तो हैकिंग वगैरह हो रहे हैं, तो बात करके देखते हैं क्या है, फिर इसके बाद यहाँ पे डिसीजन लेके जो भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया, क्यों लिया, किसी आपको बताने के लिए कि ये सब भी होता है। और मैंने लिस्ट जो बताई, मैंने पहले भी बताया कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश, चाहे वो कोई भी हो, हाय हेलो वाला हो या कोई भी हो, उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर गाली होगी तो फिर नहीं दूंगा, बट बाकी के जो क्वेश्चन हो गए उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा, चाहे वो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिया था लिस्ट में, तो जाहिर सी बात है मुझे आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं ओमदेव सिंह 9696, और टू स्टेप वेरिफिकेशन हो गया है और गलती से मोबाइल रीसेट हो गया है, तो ये तो प्रॉब्लम ना, गलती से मोबाइल रीसेट हो जाए तभी ये प्रॉब्लम आता है, वरना आप पहले यूज़ करते हो तो जाहिर सी बात आईडी चलती ही रहती है। और यहाँ पे ये है कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही है इनकी, पहले तो नेम ही फेंक है और बर्थडे दोनों फेंक है, तो जाहिर सी बात है आपका आईडी सबमिट वाला प्रोसेस तो बेकार सी जाएगा, मतलब आप करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेम दोनों में डिफरेंट होगा, आपका आईडी में भी रियल, आपका आईडी में रियल होगा बट एफबी में रियल नहीं है, तो जाहिर सी बात वो तो एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं, तो पूरा का पूरा वो तो डी एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट नहीं होगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व एक ही कंडीशन में हो सकती है, अगर आपने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐप पे नहीं बट मोबाइल नंबर पे किया है, यानी कि टू स्टेप वेरिफिकेशन किया है मोबाइल नंबर पे, तो फिर आपका काम हो सकता है, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके देख लेना, और आप सेशन नंबर 1 भी देख सकते हो डिटेल वाइज, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सुपर बॉय अज्जू, और इनका भी हाय है, तो हेलो आपको भी हेलो, और हाय हेलो के छोड़िए आपके चांस पूछे जो भी हो। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सन एक्स एक्स टेक, ये नाम कुछ अजीब सा है, फिर भी मैं आपको जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ, सन डबल एक्स टैक्स ही 1234, कुछ अजीब सा नाम है, नाम से कोई मतलब नहीं है। तो इनका टॉम मेनी टैब प्रॉब्लम फेसबुक, टॉम मेनी टैब प्रॉब्लम क्या होता है, आई थिंक मेरे ख्याल से ट्राई मेनी प्रॉब्लम आई थिंक ये होगा, तो आप मल्टीपल ट्राई कर तो जाहिर सी बात है वो एरर आने वाली, मल्टीपल ट्राई यानी कि इन्हीं 24 आवर्स में आप मल्टीपल ट्राई करते हो, आप मैक्सिमम एक या दो ट्राई ही कर सकते हो इन 24 आवर्स में, अगर उससे ज़्यादा करोगे कोड नहीं आता तो आप जाहिर से बच्चे ट्राई तो करते ही होगे, तो कोड नहीं आता उसके बाद ट्राई करने का मतलब है मल्टीपल ट्राई, तो आप मल्टीपल ट्राई करो तो ये एरर आएगी, आपको 24 घंटा वेट करना होगा फिर से और इसके बाद ट्राई करना होगा, और आप ऐसा नहीं करो, मल्टीपल ट्राई में आपका आपका आईडी और रिकवर नहीं होगा, मतलब स्पैम में भेजा जाएगा तो और प्रॉब्लम आ सकती है, आप एक बार ट्राई कीजिए नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़िए दूसरे दिन ट्राई कीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हर्षिका शिखावत है, और लाइब्रेरी कार्ड भी अपलोड किया है और मेडिकल कार्ड भी है, सॉरी आईडी नॉट एक्सेप्ट, और इनका आई थिंक मेरे ख्याल से टू स्टेप वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने लाइब्रेरी कार्ड और जो मेडिकल वो भी अपलोड किया था, और मेरे ख्याल से 18+ नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम है, मतलब 18+ होगी तो जाहिर सी बात आपके पास आधार कार्ड वगैरह होता ही है, तो मेरे ख्याल से ये स्कूल की कोई बच्ची होगी जो भी हो, ठीक है स्टूडेंट होगी, तो इन्होंने लाइब्रेरी कार्ड यूज़ किया और मेडिकल कार्ड यूज़ किया है तो वो आईडी एक्सेप्ट नहीं कीगी। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, एफबी की तरफ से ये प्रॉब्लम होती है, आप अगर कुछ भी अपलोड करोगे जब तक वो गवर्नमेंट आईडी नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं करते,
आप हालांकि वो पोस्ट में दिया है कि ये वाले आईडी वगैरह सबमिट कीजिए वगैरह, तो उसमें चांस तो बहुत ही कम है क्योंकि वो अलाउ नहीं करते स्कूल आईडी वगैरह। हालांकि उन्होंने पोस्ट में नहीं, ये अपलोड कीजिए वो, दो दो आईडी आपको अपलोड करनी होती है। और यहाँ पे ये भी कहना है कि अगर मैं दूसरा सेलेक्ट करने जाता हूँ, मत जाता या जो भी हो, तो वो दूसरा जो फर्स्ट मैंने अपलोड किया वो अनसेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। तो कहीं ना कहीं ऐप भी, मैं तो मैं आपको बताऊँ ना, तो हम जब तक हमारा आईडी चल रहा है ना तब तक सही है, अगर वो उसमें एक भी प्रॉब्लम आई तो फिर बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐप में पहले ये नहीं चल रहा था, बट अब पता नहीं क्या चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है। और आईडी सब एक्सेप्ट नहीं हुए तो फिर आपका प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, और फिर आपको 18+ होना ज़रूरी है तभी आपका आईडी वगैरह मिलेगा और उसके बाद कर सकते हो। और नेक्स्ट बार ये प्रॉब्लम ये होती है, आपका नेम रियल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। और आप दूसरा वाला यूज़ कर सकते हो, नंबर वाला, जो जिसमें अगर आपने नंबर पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है, तो आप वो ट्रिक यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिकेट महासंघ और डॉट डॉट डॉट, इस तरह से नेम आगे क्या होगा पता नहीं, एक क्वेश्चंस करना था, अब पता नहीं क्वेश्चंस नहीं किया बट सिर्फ एक क्वेश्चंस करना था, इतना मैसेज है, तो क्वेश्चंस कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम। इसके बाद नेक्स्ट टाइम MS स्लेयर और आई एम फेसिंग प्रॉब्लम प्लीज़ हेल्प, कन्फर्मेशन कोड ट्राई मेनी कोड। अच्छा, यहाँ पे इनका भी प्रॉब्लम है कन्फर्मेशन कोड का, कन्फर्मेशन कोड नहीं आ रहा, बार बार ट्राई करने से मेनी कोड का एरर आ चुका है, वहाँ पे साफ तौर से लिखा है वेट अनदर कोड, मतलब नेक्स्ट कोड के लिए आप 24 आवर्स वेट कीजिए। अब वो आ चुका है मतलब आपका काम तमाम हो चुका है, आपको 24 घंटे वेट करना ही करना, मैं साइड में दिखा दूंगा क्या प्रॉब्लम आई। तो ये अगर आ जाता है तो आपके पास कोड नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने मल्टीपल ट्राई किया तो मल्टीपल ट्राई में से कौन से ट्राई का कोड आया वो भी नहीं पता चलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं आपको वेट, एक बार ट्राई करके वेट करना है, 10-15 मिनट नहीं आता तो फिर आप 24 घंटे के बाद ट्राई कीजिए। कहीं ना कहीं ये जो आजकल प्रॉब्लम होती है ना कोड की ही होती है ज़्यादातर, कोड लेट आता है और इसमें आपको वेट नहीं करता, और वेट नहीं करता इसमें मल्टीपल ट्राई करते हैं, और मल्टीपल ट्राई में कोड कौन सा किस ट्राई का आ चुका है वो भी नहीं पता चलता कभी, कई बार आता है लेट तो भी, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको बता दूँ, एक ट्राई कीजिए, एक 24 आवर्स में उसके बाद ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना ही होगा आजकल के टाइम में, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम कोड की ही होती है। और इसके बाद नेक्स्ट है तवरेज शेख और आईडी डिसेबल प्रॉब्लम, एपी का मतलब आईडी डिसेबल प्रॉब्लम है, तो किस कंडीशन में हुआ तो आपको पता ही होगा, आप क्या गलत काम कर रहे हो तो वो आपको पता होना चाहिए, अगर गलत काम कर रहे हो तो फिर आईडी रिकवर नहीं होगी, और गलती से हुई तो आप नंबर सेशन नंबर 2 देख लीजिए, उसमें प्रोसेस बताइए, मतलब कि डिटेल ज़्यादा बताइए और क्या करना है वो आपको सेशन नंबर 2 में मिल जाएगा आंसर उसका, ठीक है, जाके देख लेना। इसके बाद व्योम शुक्ला है और एपी प्रॉब्लम नॉट, मतलब एपी प्रॉब्लम लिखा है, उसके बाद तो उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया, एपी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और इस तरह के क्वेश्चन मुझे हर सेशन में मिलता है, सिर्फ एपी प्रॉब्लम बताते हैं बट क्या प्रॉब्लम वो नहीं बताते, और जब तक वो नहीं बताएगी तो मैं एक्चुअली रियल आंसर आपको नहीं दे सकता, एपी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें किस टॉपिक पे होगा वो मुझे नहीं पता। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं YNG85 और कांट लॉग इन वेरीफाई इट्स विद कोड, मतलब कि यहाँ मैंने जो भी क्वेश्चन लिए शॉर्ट में लिखे हैं, हालांकि मैं साइड में दिखा दूंगा फुल क्वेश्चंस, और इनका जो वेरीफाई नहीं हो रहा, लॉग इन नहीं हो रहा और कोड भी नहीं आ रहा, तो नंबर आप सेशन नंबर 5 देख लीजिए, उसमें सारी डिटेल्स बताइए, जो भी आपका ये प्रॉब्लम चल रहा है उस नंबर नंबर सेशन नंबर 5 आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, और सारे सेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 15 और वो है सोनी कुशवा, और यहाँ पे हेलो हेल्प मी नंबर दिया है, हालांकि उन्होंने नंबर दिया है कॉल करने के लिए बट मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और आप समझ सकते हो जो भी हो प्रॉब्लम्स आ जाती है कॉल करने में, अगर एक को कॉल करूँगा तो बाकी नाराज़ हो जाते, इस वजह से मैंने कॉल वगैरह मतलब नंबर आज ही देखा है, वैसे भी एक क्वेश्चन लिया तभी पता मुझे चला है, तो कॉल की बात तो अलग है बट आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन मिल जाएगा आंसर, मतलब आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देसी रोहित और आई एम सब्सक्राइबिंग योर चैनल एंड लाइक योर एवरी वीडियो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, एंड यहाँ पे प्लीज़ हेल्प लिखा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आपने ये जो लिखा है ना सब्सक्राइबर योर चैनल, इससे जगह आपने क्वेश्चन पूछा होता तो आज आपको आंसर मिल जाता, तो कहीं ना कहीं आप ये बाकी की जो मैसेज लिखते इसमें टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जो भी हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पंकज में, और इनका भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है, एपी में कोड नहीं आ रहा और जीमेल और नंबर लिंक है, तो आपके लिए यहाँ पे एक फ़ायदा हो सकता है, अगर आपका नेम रियल है तो फिर
आपका काम हो जाएगा, क्योंकि नंबर और जीमेल दोनों लिंक है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे आप वही ईमेल और नंबर दोगे तो जो एप्लीक को एक्सेप्ट करने में आसानी हो जाती है। तो आपको सिर्फ आईडी सबमिट करना है, आईडी सबमिट वाला प्रोसेस करना है, इसमें काम हो जाएगा। अगर ऑथेंटिकेशन ऐप पे किया तो आपका नंबर वाला ट्रिक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर नंबर पे किया होता तभी नंबर वाला ट्रिक वर्क करेगा, बट आपको आईडी सबमिट वाला ही प्रोसेस करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ महेश भिसे, और इनका है एप सिक्योरिटी चेक प्रॉब्लम, और इनको इनके लिए आपको सबसे पहले तो सेशन नंबर 1 वीडियो देखना होगा, इसमें मेरे सारे डिटेल्स बताई है, और नंबर ही 1 है तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी नंबर 1 है तो, क्योंकि नंबर पे कोड आता है तो नंबर कोड कहाँ पे जाएगा अगर वो 1 है तो, कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान, यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर आपके पास नंबर 1 था तो वो जब आईडी चल रहा था आपने चेंज क्यों नहीं किया, ये आपकी ही गलती हुई है। और चेंज कर दिया होता तो आज अगर सिक्योरिटी कोड का प्रॉब्लम आता तो कोड आपको मिल जाता, आप लॉगिन कर सकते थे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती है, बट फिर भी आप वो सेशन नंबर 1 देख लीजिए, उसमें सॉल्यूशन मैंने बताया है, तो जाके कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जितेंद्र पांडा, और कैन यू हेल्प मी, एक्चुअली कोई मिसबिहेवियर कर रहा है, क्या है ये मिसबिहेवियर करना, बहुत बड़ी गलती है और नहीं करना चाहिए किसी को। और आप में मुझे भी बहुत सारे लोग फ्रेंड्स करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, बट मैं उसको इग्नोर ही करता, एक दो मैसेज मैंने देख लिया था, एक बार तो मैं बहुत डीमोटिव हो चुका, बट मैंने देखा यार ये क्या कुछ भी नहीं है, जाने दो इसके लिए, मैं छोड़ दिया था। और मिसबिहेवियर कर रहा है तो पता नहीं क्यों कर रहा है, वो भी आपने डिस्क्राइब नहीं किया, और जो भी कर रहा हो उनको तो मैं यही कहूँगा कि मत करो भाई, और ज़्यादा कुछ ये कर रहा है तो फिर आप पुलिस केस कर सकते हो, ठीक है, आप केस लगवा, पुलिस को केस कर सकते हो और रिपोर्ट कर सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन तो पुलिस ही कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रौनक ओजात, और निरुपाय केम छो मजा मार, तमें केम छो, तो हूँ या गुजराती छो, तमें भी गुजराती छो, तो थैंक यू फॉर मैसेज। तो यहाँ पे नेक्स्ट है फूरियस, और मेरा ऐप लॉग इन नहीं आ रहा है, मतलब आप कर दो, मतलब इनका अकाउंट जो एफ बी अकाउंट है वो लॉगिन नहीं हो रहा और आप कर दो, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम जो भी आपने डिस्क्राइब किया था, एफ बी लॉगिन नहीं हो रहा इतना ही है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और पासवर्ड आपके पास नहीं है, लॉगिन कोड नहीं आ रहा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं सिक्योरिटी का, कंफर्मेशन कोड का, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम है वो आपने नहीं बताया। अगर बता दिया तो मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई दे सकता था। और बात आती है यहाँ पे लॉगिन करने की, तो बात पहले ये मैं पहले करता था बट अब नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड की पेंडिंग रिक्वेस्ट आती है तो मुझे पर्सनली बुरा लगता है, आपको पता नहीं चलेगा ऐसा, बट जब मान लीजिए मैं एक फ्रेंड का करता हूँ तो मुझे पर्सनली बुरा लगता है यार, बाकी फ्रेंड्स का भी नहीं कर सकता ना, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रेंड की रिक्वेस्ट है और ऑलरेडी मैं इसी वजह से मैंने बंद कर दिया, ये पहले मैं स्टार्टिंग में करता था अब नहीं कर रहा, तो आप ये ऑलरेडी मेरे और इस टॉपिक पे मैंने वीडियोस, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके टॉपिक पे वीडियोस में बना ही रही है, आप जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे लाइव गेमर्स और सब्सक्राइबर हूँ, मेरी एपी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी एप पी आई डी ओपन नहीं हो रही। और यहाँ पे बता दूँ कि आप समझ में नहीं आ रहा है तो आपने ये भी नहीं बताया कि ये क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, तो मुझे भी कैसे समझ में आएगा, ठीक है, तो आप जब तक ये पूरा डिस्क्राइब नहीं करो, मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप कोई बात बताना चाहते हो क्लियर बताइए, या फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेज के बताओ ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं विशु शर्मा, और भाई मेरी आईडी नहीं चल रही है और हेल्प कर दो, वीडियो देखा था पर पता नहीं चला, मतलब नहीं हुआ, और फोटो सेंड किया है, हालांकि ये प्रॉब्लम इंस्टाग्राम की है, इसमें उन्होंने यहाँ पे कहीं भी क्लियर नहीं कहा मेरी आईडी नहीं चल रही इतना ही है, बट मेरे ख्याल से मैंने जो इंस्टाग्राम का एक ही वीडियो टॉपिक बनाया वो है टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने वो वाला वीडियो देखा है और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर ये जो आपने नीचे जो मैसेज किया है वो उस रिलेटेड है ही नहीं है, मतलब उस प्रोसेस में आपको इस तरह की मेल आती ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको ये डिस्क्राइब करने की ज़रूरत थी कि आपका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अगर टू स्टेप ऑथेंटिक एग्जाम प्रॉब्लम है तो फिर आप वो वीडियो देख लेना, उसमें चेंज है, मतलब मेल आता है वो पूरा का पूरा चेंज है। अगर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम है तो आपको वही वीडियो देखना होगा, क्योंकि उसी वीडियो में जो प्रोसेस बताई वही आपको करनी होगी और आपका काम हो जाएगा। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो मुझे यहाँ पे मैसेज करके आप बता सकते हो, क्योंकि ये जो आपने मैसेज भेजे मेल भेजे वो उस रिलेटेड है ही नहीं है, ठीक है, मैंने देखा बट वो पूरा का पूरा मेल चेंज है, पता नहीं मुझे उस मेल में मुझे खुद पर्सनली नहीं पता चला ये कौन सी प्रॉब्लम है। तो आप प्लीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए पूरा कि क्या आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं प्रवीण चांद, और यहाँ पे हेलो हाई है, तो हेलो, आप क्वेश्चन पूछिए नेक्स्ट टाइम, आपको आंसर मिल जाएगा जो भी हो। और यहाँ पे नेक्स्ट मतलब लास्ट है एंड 169, और एफ बी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रिकॉर्डिंग भी भेजी है उन्होंने,
कुछ रिक्वेस्ट की वगैरह ये भी है रिकॉर्डिंग में कुछ है नहीं, तो ऑथेंटिकेशन का जो प्रॉब्लम है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और रियल नेम वगैरह तो आपको वही आईडी वाले सबमिट जो प्रोसेस होगी वो करनी होगी, और नहीं है तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने 2500 के क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर दे दिए। आपको क्वेश्चन पूछना तो आपको कॉन्टैक्ट अस के बारे में जो वीडियो देख लेना है उसमें सारी डिटेल्स बताई क्या करना क्या नहीं करना, और इंस्टाग्राम में मुझे पूछ सकते हो, नेक्स्ट टाइम आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अब नेक्स्ट जो कनेक्शन आएगा वो गुरुवार को आएगा, नेक्स्ट थर्सडे को आएगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद संडे को आएगा, मतलब 25 यानी कि जल्दी मुझे क्वेश्चन लेने सारे आंसर देने हैं, तो किसी को पेंडिंग नहीं रखना। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन आता है, तो जो भी हो आप क्वेश्चन पूछेगा। और आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।